अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। चैप्टर डाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर हम द ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, ये जो थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसमें जो फूड की प्रोसेसिंग होती है उसे डिस्कस करेंगे। यानी इन स्ट्रक्चर्स में फूड किन प्रोसेसेस से, किन मराहिल से गुजरता है, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को माउथ और बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। जो आपका मुंह होता है, मुंह के अंदर की जो स्पेस है, इसे बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहा जाता है। फूड की प्रोसेसिंग के फोर स्टेजेस होती हैं, फोर स्टेप्स होते हैं, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, ईटिंग ऑफ फूड, देन डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एंड देन फाइनल स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप राइट फ्रॉम ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन, ईटिंग ऑफ फूड। जब आप फूड मुंह में डाल लेते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन माउथ से स्टार्ट होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है वो क्या है? माउथ है। माउथ से इंजेशन स्टार्ट होती है। जैसे ही इंजेस्ट कर लेते हैं आप फूड, तो उसी वक्त उसकी डाइजेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और डाइजेशन दो तरीकों से होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन है एंड सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यानी फूड को जब आप फिजिकली तोड़ते हैं दांतों की मदद से, उसे मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और केमिकल डाइजेशन, जब आप उसके बॉन्ड के लेवल पर एंजाइम की मदद से, केमिकल की मदद से वो फूड जब टूटता है, तो उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। फिजिकल डाइजेशन जो होती है वो बाय मेस्टिकेशन के प्रोसेस से होती है। मेस्टिकेशन इज द च्यूइंग और क्रशिंग ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ टीथ। दांतों की मदद से जो फूड को चबाया जाता है और क्रश किया जाता है, इसे मेस्टिकेशन बोलते हैं। ये MCQs के लिए भी आप याद रख लीजिएगा। और मेस्टिकेशन में आपके फेस के दो पावरफुल मसल हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस को। वन मसल इज टेम्पोरेलिस मसल, जो आपके फेस के इस साइड पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। जब आप चबाते हैं ना लुकमा, तो आप देखिएगा यहाँ पर हाथ रख के यहाँ पर जोर पड़ रहा है, तो ये मसल काम कर रहे हैं। कौन से? टेम्पोरेलिस मसल। एंड द सेकंड मसल इज मेसेटर मसल, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ जबड़े पर, ठीक है। ये दो मसल जो हैं, ये हेल्प करते हैं दांतों को दबाने में। तो दांत जो हैं, जस्ट लाइक एक प्लास होता है ना, उसको हाथों के ज़रिए दबाया जाता है, तो प्लास का सख्त वाले पोर्शन के अंदर जो भी चीज़ आप रखते हैं वो क्रश हो सकती है या मजबूती से पकड़ी जा सकती है। ये मसल जो हैं वो दबाने का काम करते हैं, और ये बहुत पावरफुल होते हैं। और फिर टीथ की मदद से फूड की क्रशिंग होती है। दिस इज़ वॉट मैकेनिकल डाइजेशन। होपफुली समझ आ चुकी होगी अब आपको। सेकेंड स्टेप जो है केमिकल डाइजेशन, वो भी माउथ के अंदर हो रहा होता है। सेकेंड स्टेप बाय द सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, जो थूक है आपके मुंह में जो बनता है, ये सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं। थ्री पेयर्स होते हैं, दो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी डक्ट यहाँ पर ही खुलती है। आपने कभी नोट किया हो, यहाँ से राइट फ्रॉम चीक्स आपके पानी बह रहा होता है अंदर वाली पोर्शन में। दो यहाँ पर होते हैं और दो यहाँ पर पेयर होते हैं। एक एक पेयर होता है, यानी एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नीचे वाले हैं, इनकी डक्ट यहाँ जबान के नीचे दांतों के पीछे ओपन होती है। यहाँ से सलाइवा सिक्रेट होता है, और सलाइवा क्या करता है? केमिकल डाइजेशन शुरू कर देता है फूड की। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि सलाइवा में फूड के किस पोर्शन की डाइजेशन होती है, किस किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन डायरेक्ट मुंह से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। तालू होता है, जैसे पैलेट कहा जाता है, जो कि होल्ड करने में हेल्पफुल होता है। फिर टंग, डेफिनेटली जो जुबान है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जुबान आपको टेस्ट में हेल्पफुल होती है। जुबान जो है एक फ्लेक्सिबल मसल है, दांतों के नीचे फूड को मूव करवाने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फूड को जो है बॉलस बना के अंदर इंगल्फ करने में हेल्पफुल होती है। टंग के बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ओरल कैविटी में हो रही होती हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी में जुबान के जो पीछे वाला पोर्शन है, इसमें एबनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। और एबनर्स ग्लैंड एक एंजाइम लाइपेज सिक्रीट करते हैं, जो कि लिपिड की डाइजेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है कि आपके मुँह में किस बायोलॉजिकल मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, तो आपने आंसर देना है कार्बोहाइड्रेट।
बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि एबनर ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, और एबनर ग्लैंड किसकी डाइजेशन करता है, तो आपने याद रखना है लाइपेज सेक्रेट करता है, तो लिपिड की डाइजेशन करता है। सो ज़बान की हमने बात कर ली कि ज़बान जो है बोलस बनाता है। बोलस इज़ द बाल ऑफ फूड, फूड को च्यू करने के बाद जो बाल सी बन जाती है, जो ईजिली इंगल्फ की जा सकती है, उसे बोलस कहा जाता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ओरल कैविटी क्या हो रही है। अब हम चलते हैं फेरिंग्स और ईसोफेगस की तरफ। सो यहाँ इन डायग्राम्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन सी स्ट्रक्चर कौन सी है। ये आ जाता है मुंह, जिसे हम स्टडी कर चुके हैं, जिसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। और मुंह के अंदर आपने फूड डाला तो फूड का बोलस बन चुका है, यानी चबाने के बाद एक बाल ऑफ फूड बन चुकी है। उसके नीचे ये जो गले वाला पोर्शन होता है, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। और ये लिंक होता है बिटवीन द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान एक लिंक होता है, ठीक है। और फेरिंग्स के नीचे यहाँ इस साइड पर एक लेड सी प्रेजेंट होती है, एक ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो ग्लॉटिस के राइट अबव ऊपर पाया जाता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस। फिर एक साइड पे लैरिंग्स होता है, जो फेरिंग्स से नीचे होता है, और लैरिंग्स डायरेक्टली ट्रैकिया के साथ अटैच होता है, और ये आ गया ट्रैकिया। और दूसरी साइड पे ईसोफेगस होती है। ट्रैकिया सांस की नाली, ईसोफेगस खुराक की नाली, ईसोफेगस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं एक वाल्व को जो कि बंद और ओपन हो सकता है। सो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस देखते हैं। जब आप फूड मुंह में डालते हैं, नवाला बन रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ट्रैकिया है वो ओपन रहता है, क्योंकि आपको सांस लेने में आसानी होती है, और ट्रैकिया ओपन रहता है और ईसोफेगस जो है वो बंद रहता है। ईसोफेगस बंद इसलिए रहता है कि स्टोमक में हवा ना जाए, क्योंकि हवा फेफड़ों में जानी चाहिए, लंग्स में जानी चाहिए। सो यहाँ ईसोफेगस में एक मसल होता है, स्मूथ मसल, जिसे स्फिंक्टर कहा जाता है, जो कि वाल्व के जैसे एक्ट करता है, यानी क्लोज और रिलैक्स हो सकता है। और नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, ये क्लोज होता है, लेकिन जब आप फूड इंटर कर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है और ट्रैकिया क्लोज हो जाता है। ट्रैकिया किस वजह से क्लोज होता है? ट्रैकिया बिकॉज ऑफ एपिग्लॉटिस क्लोज होता है, जो कि एक लिड है। सो गौर से समझते हैं, यहाँ से फूड डाला, फूड की च्यूइंग हुई, बोलस बन चुका है। अब ये फूड इंगल्फ करना है, तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये जो एक लिड है, ढक्कन है, ये ओपन होता है, ऊपर की तरफ मुड़ा होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया ओपन रहता है और ट्रैकिया में आप सांस ले सकते हैं। एट द सेम टाइम स्फिंक्टर की मदद से ईसोफेगस जो है, जो खुराक की नाली है, वो क्लोज रहती है, ताकि खुराक की नाली में हवा वगैरह ना जा सके। बट जब आपकी खुराक यहाँ फेरिंग्स वाले पोर्शन में पहुँचती है, तो क्या होता है, माइंड को सिग्नल जाता है और ऑटोमेटिकली ये फूड जब यहाँ ग्लोटस पर आकर टच होता है, तो ये ग्लोटस वाला ढक्कन नीचे हो जाता है। ये ढक्कन नीचे होगा तो ग्लोटस बंद होगा, ठीक है। सो इस सिनेरियो में आप चले जाते हैं, ग्लोटस बंद हो जाता है, ग्लोटस के बंद होने की वजह से ट्रैकिया बंद हो जाता है, सांस की नाली बंद हो जाती है। इसी वजह से जब आप खुराक खाते हैं तो वो खुराक की नाली में जाती है, सांस की नाली में नहीं जाती। सो खुराक, सांस की नाली बंद हो चुकी है, और ये जो स्फिंक्टर है, ये वाला जो वाल्व है, ये रिलैक्स हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, और फूड जो है इस तरीके से ईसोफेगस से नीचे उतर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसके ज़रिए वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हुए आपका फूड जो है वो मूव कर रहा होता है अलोंग द एलिमेंट्री कनाल। ये ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में ये पेरिस्टालसिस हो रही होती है। इट इज़ जस्ट अ वेव लाइक मूवमेंट, जिसकी मदद से फूड जो है वो नीचे उतर रहा होता है। सो इसी वजह से अगर आप नवाला उतारते हैं मुंह में, तो आप उल्टे भी हो जाएं, तो ग्रेविटी की वजह से नवाला नीचे नहीं जा रहा, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से फूड नीचे जाता है। सो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड स्टोमक में जब जाएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।